अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन लाइब्रेरी इसी करिकुलम में से कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा सकते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में और पाकिस्तान में खासकर। तो ये जो लेक्चर्स है टोटल जितने मतलब ममालिक के और उसके अंदर लाइब्रेरी साइंस को एज ए कोर्स पढ़ाया जा सकता है। तो आजकल के तलेबाई में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। तो आज इसका लेक्चर नंबर 11 है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इस पर हम आज रोशनी डालेंगे। आई माई सेल्फ आबिद हुसैन, एम फिल स्कॉलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक सो यू कैन राइट टू आबिद हुसैन एट gmail.com। लेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड दैट वॉट इज वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग रेफर्स टू दी acts of using a computer to create, edit, save, and print documents. In order to perform word processing, specialized software known as the word processor is needed. One example of word processor is Microsoft Word, but other word processing applications are also widely used. Examples include Microsoft Word's word processor, Open Office Writers, WordPerfect, and Google Drive documents. ये इसके मुख्तलिफ किस्म अकसाम हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, प्रिंट्स कराए जा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वर्ड प्रोसेसर में जो सबसे स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन इसके साथ साथ और एप्लीकेशन भी वो है क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट एंड गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है ना वर्ड प्रोसेसर में आ जाती, किसी से एक फाइल को क्रिएट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, किया जा सकता है और दूसरे के साथ शेयर भी किया जा सकता है। द प्रोग्राम अलाउ यूजर टू क्रिएट अ वाइड वेराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग वर्ड प्रोसेसिंग साइकिल, बट सर्टनली नॉट लिमिटेड टू रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमो, न्यूज लेटर्स एंड ब्रोशर। इन एडिशन टू Typing text, the word processor allows you to add contents such as pictures, tables, and graphs to your document, as well as decorative items including borders and clip art. वर्ड प्रोसेसर को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टेक्स्ट को टाइप करना, इसमें टेबल्स को फिक्स करना, पिक्चर्स को फिट करना, चार्ट्स को, इसी तरह डॉक्यूमेंट्स को डेकोरेटिव बनाना, वर्ड बॉर्डर देना, क्लिप आर्ट वगैरह इंसर्ट करना, ये वर्ड प्रोसेसिंग का काम है। द एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्ड प्रोसेसर डिमॉन्स्ट्रेट द एप्लीकेशंस टू पावर। टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड, एडिटेड, मूव्ड, कॉपीड और डिटेक्टेड, डिलीटेड विद विद इन योर डॉक्यूमेंट, एंड द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट कैन बी मॉडिफाइड इन न्यूमरस वेज। मोस्ट वर्ड प्रोसेस ऑल्सो गिव यू द एबिलिटी टू चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर, एंड मैनी हैव बिल्ट इन डिक्शनरीज एंड अदर टूल्स टू असिस्ट यू इन योर राइटिंग। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि इसमें आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह टेक्स्ट के तौर पे मॉडिफिकेशन भी इसमें बनाए जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग का लाइब्रेरी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्न लाइब्रेरीज, ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन दैट कंट्रीब्यूट टू इफिशियंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन। कुछ की वेज जो कि वर्ड प्रोसेसिंग का लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट क्रिएशन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट वेरियस डॉक्यूमेंट्स विद इन द लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स, मेमोज, लेटर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल। लाइब्रेरियन एंड स्टाफ यूज दीज टूल्स as a draft, edit, format, and finalize document for internal and external communication purposes. Document को create करना, edit करना, memos, letters, policies वगैरह को बनाना और फिर उनके साथ share करना। फिर cataloging and metadata. Word processing is utilized in cataloging and metadata creation for library collection. Librarians use templates and standardized formats to create catalog. Record metadata text and descriptive information for books, journals, multimedia resources and digital assets. जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि कैटलॉगिंग और मीडिया मेटा इसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइब्रेरी गाइड एंड मैनुअल, लाइब्रेरी क्रिएट यूजर गाइड्स, मैनुअल, हैंडबुक एंड इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। द गाइड्स
These guides provide patrons with information on library services, resources, policies, research techniques, and information literacy skills. Library guide और manual के लिए word processing software का इस्तेमाल किया जा सकता है. Collaborative writing के लिए word processing software with collaborative feature enable the library staff to collaborate on writing projects, collaborative reports and share documents, real time editing, comments and version control, streamline collaborative writing process within the library. जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि word processing को collaborative writing के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. Newsletter and publications. Word processing tools are used to create newsletter publications, promotional material and information brochures for the libraries. This publication highlighted library events, program, new acquisition, research finding and other relevant information for patron. Newsletters publish के लिए, newsletter publish के लिए या दूसरी publication के लिए भी word processing software को इस्तेमाल किया जा सकता है. Library policy and procedure के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. Communication with patron. Word processing facilitate communication with patrons through letters, notices, announcement, and informational email. Library use email merge features to personalize communication and send mass email or letters to patron regarding library services event and updates. Communication patrons ke saath jana karne ke liye word processing reports and data analysis ke liye bhi subsidiary istemal kiya jata hai. Libraries generate reports, statistical analysis, and data summarize using word processing software. They compile usage statistics, circulation data, collection analysis, and user feedbacks into reports for decision making, assessment, and planning purposes. Report or data analysis के लिए इसी में कुछ key features होते हैं जो कि इस word processing को इस्तेमाल किया जाता है. Research and documentation. Word processing tools are essential for academic and research libraries in creating research papers, bibliographies, citations, and annotated bibliography. Library assist patrons in formatting and organizing research document using word processing software. Any word processing software को research document purpose के लिए, reports, data analysis, communication with patrons के लिए, library policies के लिए, और इसी तरह newsletter publication के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. तो मुझे उम्मीद है कि word processing के इस्तेमाल का library में कहाँ कहाँ पे इसका काम होता है मैंने explain किया है. अगर आपकी कोई और कमेंट्स और फीडबैक हो तो आप यूट्यूब के वीडियो में कमेंट्स फॉर्म में मुझे शेयर कर सकते हैं. आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को लाइक भी करें, वॉच भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें. वमा अलैना इल्लल वला. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.